थोड़ा साथे उनके कहने से जो सरकार ने राशन बता दिया, कभी सर के वेश पर टीपू चलते थे जब राशन खाता था, आज राशन घटता घटता खादी गेहूं रह गई है और खादी गेहूं तो जो कमीशन है उस पर हमारा गुजारा नहीं होता, या तो हमारे इतनी कमीशन दी जाए जिससे हमारे बिजली के बिल, हमारी दुकान का किराया, हमारा घर का खर्चा चल सके, अगर इतना नहीं हो सकता तो हमारी कोई ना कोई तनख्वाह तय की जाए। हम सरकार के हक में है, सरकार इनका मदद करने जा रही है, हम सरकार के साथ है, लेकिन भाई जब जब भी मुझे से बने 1962 से लेकर कपड़ा नमक तेल मिनट सब कुछ मिलता था, सब पे कमीशन मिलती थी, वाले में गुजारा चलता था। आज महंगाई का दौर है, खाली से तेल भी बंद होने जा रहा है तकरीबन, खाली गेहूं की होगी कमीशन में हमारा गुजारा नहीं, उसके लिए रहो और पूरे हरियाणा के अंदर एक तारीख तय करो कि अपने डीसी के दरबार में जाकर हड़ताल पर बैठ जाओ। अगर ऐसा करोगे तो कुछ मुद्दा हल होगा, वरना भाषण देने से कोई मुद्दा हल नहीं होता। जय श्री कृष्ण। 10 डिस्ट्रिक्ट के डिपो होल्डर आए हैं और डिसीजन ये लिया है कि जो सरकार की योजना है उसका हम स्वागत करते हैं, और सरकार द्वारा जो मशीनें जो हमें राशन बांटने के लिए दिया जाएगा हम तभी बांटेंगे जब हमें हमारे परिवार चलाने के लिए उचित मानदेय मिलेगा। और क्या क्या मानदेय? उसमें हमारे दुकान का किराया, हेल्पर की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था हमें सरकार दे और उचित मानदेय। तो क्या सरकार जो राशन देगी बांटेगी? सरकार हमें उचित मानदेय देगी तो हम जरूर बांटेंगे, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो उनके साथ भी हमारा बिल्कुल सहमति है और हम वो हमारे साथ हैं, उनकी सहमति हमें मिल चुकी है और सब साथ हैं, पूरा हरियाणा एक साथ है।